ਗਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਕੁੰਡੀ ਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਮਚੀ ਵਰਗਾ ਦਬੋ ਜਾ ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਮਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਪੁੱਤ ਕਿੱਧਰ ਹੈਲੋ ਕਿੱਧਰ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਗੱਡੀ ਸਹੀ ਆਏਗਾ ਮਿੱਠਾ ਚੌਲ ਖਾਏਗਾ ਅੱਛਾ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਆ ਕੀ ਆ ਨਲਕਾ ਲਗਾ तुम्हें पता है ना मैं कितना अच्छा गाना गाती हूँ तुम्हें भी पता है ये सब कहते हैं मैं गाना ना गाऊं अच्छा हाँ पुत्र सारे घर वाले कहते हैं ना गाओ हालांकि कितना अच्छा गाती है क्या हुआ क्या हुआ ऐसे घर नहीं बसते हाँ जी हाँ जी आपके वालिद साहब मकान मिस्त्री थे नहीं पुत्र तो मुंह तुहाडा क्यों नुकर च मसाला सुटन वाली कांडी अरगा कौन है आया अस्सलाम वालेकुम पहचाना कौन है ला ओ नूर साहब आ मैं एडा भी साई नहीं जाओ जाके सलाम करके आओ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम कैसी आप बिल्कुल ठीक अगर यही बैठना है तो बच्चों को किसने संभालना है इधर मार ताया जी आप मुझे ये नजर ना इस घर में प्लीज कुछ करें आप बेफिक्र हो जाए पुत्र मैं इसको संभाल लूंगा चलो बस हो गया जो होना था सुबह का भूला अगर शाम को ना आए तो समझो वो धरने पे गया मैं इतनी परेशान हूँ मेरा मसला सुन नहीं रहा कोई तू क्यों परेशान है तेरे को पर्स ले गया क्या परेशानी है पुत्र वही मसला है कि गाने नहीं देते बिल्कुल ऐसे तो गाने नहीं देते नहीं ला मैं गड्डी साई बकलम खुद काउंसलर है मैं मां तो आ देते मौसल मैं ना तो मैं कठे ना सुनाओ गाना जिंदगी के सफर में अकेले थे हम आप जैसा हमें मेहरबान मिल गया लगी रहा मैं साईं हां मेनू केड़ा समझ आउंदी ओ लंबे मेहरबान दफा हो जा हां दफा हो जा वे एक्सक्यूज मी हेलो ताई आपको बुला रहे गलती मेरी है मुझे ये शादी करनी नहीं चाहिए थी नूर आपका बचपन कैसा गुजरा बहुत नॉटी था या बहुत मासूम मासूम तो नहीं था बहुत नॉटी था बिकॉज मैं अभी भी मासूम लगती हूँ लेकिन हूँ नहीं आई थिंक यू हैव गॉट अ ब्यूटीफुल हार्ट एंड अ वेरी प्योर सोल अभी आप सिर्फ ऊपर से कह रही हैं कि अभी मैं मासूम नहीं हूँ मुझे लगता है आपसे मासूम कोई और है ही नहीं और स्वीट आप प्यार करती हैं इसलिए लगता है आपको लेकिन मतलब मासूम इन से नॉटी हूँ मैं अभी भी शरारतें करना और मतलब हंसी मजाक करना I have got a very good sense of humor. बचपन से स्टार था अंदर डांस करना एक्टिंग करना ड्रामे करना It was within you. हाँ हाँ बिल्कुल स्कूल ना जाने के 100 बहाने होते थे आप इतनी हार्ड वर्कर हैं आपके मॉर्निंग शो टीवी पे चल रहे होते हैं ड्रामे चल रहे होते हैं फिल्में हाँ. भी चल रही होती हैं लेकिन जब भी मैंने आपको देखा आप फ्रेश होती तो पुत्र सोती किस टाइम है अब सोने का टाइम मिल जाता है बस फ्रेशनेस ये आप लोगों की मोहब्बत है जब मैं अपने फैंस को देखती हूँ जब इतना प्यार करते हैं तो खुद ब खुद दिल करता है और काम करने का और दूसरा ये अगर आपका दिल आप कहते हैं अगर आपकी नीयत सही है और आपका दिल आपने साफ रखा हुआ है आपने किसी के पैसे नहीं देने आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो अल्लाह ताला चेहरे पे भी नूर रखता है और आप सेटिस्फाइड होते हैं ओ ज़हनी सुकून है ज़हनी सुकून है ज़हनी और कल भी सुकून भी है फिल्म स्टार बनने से पहले की नूर और फिल्म स्टार बनने के बाद की नूर दो यू वर अ चाइल्ड स्टार लेकिन कोई डिफरेंस आया लोगों के रवैयों में अच्छा फैमिली के रवैयों में डिफरेंस आया था मेरे दाद के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो चाहते नहीं थे ऑब्वियसली कि फिल्म में आऊँ क्या खोया क्या पाया इस इंडस्ट्री में इस इंडस्ट्री में वक्त बहुत ज़्यादा खोया पाया पाया भी बहुत कुछ लेकिन खोया इन द सेंस कि आपको मेरिट पे यहाँ पे चीज़ नहीं मिलती आई होप क्या इस तरह लोगों के नज़रिए चेंज हो रहे हैं और वक्त के साथ साथ हम बदलें और आर्टिस्ट को ज़्यादा इज्जत दें बिकॉज हम लोग अपना घर बार छोड़ के
आपकी इंटरटेनमेंट के लिए, अपने बच्चों को घर छोड़ के आपकी इंटरटेनमेंट के लिए दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन पुत्र आपने फिक्र नहीं करना घर का, ये भी आपका घर है, आज जब मर्जी आ ही जाओ, यहाँ रहो 6-6 महीने रहो, हाँ तेरे ताया का घर है पुत्र, हाँ बस ये है कि रोटी अपनी साथ ले आना। ये तो प्रेस क्लब चली जाती है फिर। I want to go. Okay, छोड़ दी मेरी बात सुनो, तुम्हें ये घर के नहीं छोड़ने। I want to go. Okay, ताया क्या मसला है आपका? मेरा सामान तैयार है and I'm going. Where are you going? I'm going to the neighbors. Neighbors में जा रही हूँ। नेबर में क्या करने जा रही पुत्र? ये तुम्हारा घर है। ताया आपको एक बात बताऊं, yes. जब तक मेरू गाना गाती रहेगी मैं इस घर में नहीं रहूंगी। ना पुत्र इस तरह ना कर, कार ही होते पुत्र हमसाए, कब तक तुम्हें रखेंगे हैं? मैं यहाँ तुम्हें रोज सवेरे 2 रखूंगा। देखे मुझे नहीं समझ आई, रोज सुबह उठता हूँ मेरू गाना गा रही होती है, शाम को आके चाय पीनी होती है मेरू गाना गा रही होती है, उसके बाद आई डोंट वांट दैट, आई मैं बेटा उसको समझा दूंगा, इतना बड़ा मुंह लेके कहाँ जाओगे पुत्र? वैसे तुम्हारे जितना मेरा मुंह होता ना, मैंने ऊपर 2 कमरे बना के किराए पे चाड़ देना था। कुछ सीखो चौधरी निसार और नवाज शरीफ से कुछ सीख लो। हाँ देखो वो कितने मेरे अपने बाल में क्या सीखूं? मेरा बेटा वो चौधरी निसार और नवाज शरीफ साहब नहीं है, बड़े चलाको मासी हैं वो दोनों, आपस में हर वक्त लड़े रहते हैं, जब उनको पता चलता है हुकूमत जा रही है फिर इकट्ठे हो जाते हैं। लिहाजा पुत्र हमारी हुकूमत जा तो नहीं रही लेकिन फिर भी इकट्ठे रहो बेटा और जा उसको लेके जा। इधर आओ, चलो चलो। हर वक्त अपनी लड़ाई लड़ते रहते हो, वो देखो कौन है। ओह माय गॉड, कैसी हैं आप? हेलो हेलो, आपको पता है मैं ना एक फिल्म बनाना चाह रहा हूँ, उस पे ना फिल्म में व्हाट आई वांट इज कि आप मेरे साथ काम करें, दोनों बहनें, आई एम सॉरी, हम दोनों काम करेंगे तो इट वुड बी वेरी नाइस, है ना? श्योर श्योर, फिल्म का नाम होगा दो सहेलियां। व्हाट? दो सहेलियां। ओह वेरी फनी। ओके कौन सी फिल्में ज्यादा अच्छी लगती हैं एक्ट करना आपको? इश्क पॉजिटिव में पहली दफा मैं कॉमेडी, सो हाउ इज इट? तो उसमें कॉमेडी में मजा आ रहा है, कॉमेडी बड़ी मुश्किल चीज है, उसकी टाइमिंग होती है, तो वो कॉमेडी करना पसंद करती हूं। मजेदार। आप इतनी हार्ड वर्कर हैं, आपके मॉर्निंग शो टीवी पे चल रहे होते हैं, ड्रामे चल रहे होते हैं, फिल्में भी चल रही होती हैं, लेकिन जब भी मैंने आपको देखा आप फ्रेश होती, तो पुत्र सोती किस टाइम है? अब सोने का टाइम मिल जाता है, बस फ्रेशनेस ये आप लोगों की मोहब्बत है, जब मैं अपने फैंस को देखती हूँ जब इतना प्यार करते हैं तो खुद ब खुद दिल करता है और काम करने का। और दूसरा ये, अगर आपका दिल, आप कहते हैं अगर आपकी नीयत सही है और आपका दिल आपने साफ रखा हुआ है, आपने किसी के पैसे नहीं देने, आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो अल्लाह ताला चेहरे पे भी नूर रखता है और आप सेटिस्फाइड होते हैं।